गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहे हैं आई थिंक 8 बज रहे होंगे। पार्थू को लेके अनूप गए नीचे और बस मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी। लेकिन आज की एक अच्छी बात आपको बता दें, पहले तो मैं अपनी आँख दिखा दूँ। मेरी देखो, मेरी आँख में अब कुछ भी नहीं है, वो जो गोल गोल हो रहा था बिल्कुल जा चुका है। ये तो मेरी आँख के अंदर की पुतली है, ये देखो। और उस दिन राधिका कहती थी, दीदी आप अपनी आईज़ दिखा लो, आपके आईज़ के ऊपर दिख रहा था। तो वो स्वेलिंग हो रही थी, आईज़ के ऊपर स्वेलिंग हो रही थी। आई थिंक उस दिन मैं लेट सोई होंगी या जल्दी सुबह उठ गई थी। तो सर्दी की वजह से जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है, आप सबको पता है कि मेरी आईज़ के नीचे फूलने लग जाता है, तो आईज़ पर इफेक्ट पड़ता है, पफी आईज़ हो जाती है मेरी। तो इग्नोर करना। अच्छा, तो आज बहुत ही खास दिन है गाइस, आज आमा आ रही है घर। जी हाँ, आज आमा आ रही है। अरे इतनी आसानी से कैसे बता दिया मैंने, है ना? तो क्या छुपाना यार आप लोगों से। आज का मैं तो मतलब एक हफ्ते पहले मम्मी की टिकट हो गई थी और बाय फ्लाइट आ रही है मम्मा। तो और मज़े की बात देखो, कल तक हमारा ये था कि हम मम्मी को लेने जाएंगे एयरपोर्ट, लेकिन आज अनूप बेंगलोर जा रहे हैं। रात को ही अचानक से अनूप आए मेरे पास और बोले, अरे सीमा आमा वहाँ से आ रही है और मैं वहाँ से जा रहा हूँ। तो आमा की फ़्लाइट आएगी यहाँ पे 8 o'clock और अनूप की फ़्लाइट जाएगी यहाँ से 7 o'clock। तो आप समझ लो वो दोनों मिल नहीं पाएंगे एकदम से, और मैं पार्थू को लेके एयरपोर्ट शायद ना जा पाऊँ। तो मम्मी मुझे कहती कि तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप आ जाऊँगी। तो गाइज़ मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप सब जानते हो। और पार्थू बहुत खुश है और बहुत दिन गिन रहा है इस दिन के लिए। कब से दिन गिन रहा था कि मम्मी आ रही, आमा आ रही है, आमा आ रही है बोल के। तो बस आप समझ सकते हो कि कितनी खुशी हो रही होगी मुझे, क्योंकि जब से ये घर लिया है तब से मम्मी पहली बार यहाँ आ रही है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सारी जगह इमेजिन करती थी कि जब मम्मी आएंगी ना तो हम यहाँ बैठेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम छत पे चाय पियेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एक बेटी के लिए उसकी माँ का उसके घर आना कितना खास होता है, ये हर बेटी जानती है ना। तो भाई अनूप आ गए लग रहा है। मैं दरवाज़ा खोल के आई थी क्योंकि जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, ये बाबा बूढ़ो ऐसी हरकतें ऐसे मत करो बाबा, ऐसे मत करो, लोग बोलेंगे व्लॉग के लिए करते गाइस, ऐसे हम व्लॉग के लिए नहीं करते। काश उस वक्त हम शूट किया करते जब हम ऐसे करते थे यहाँ बूढ़ो, पर हम उस टाइम शूट ही नहीं करते थे। भाई मेरा पति मुझे बीच रास्ते में, हाँ पति मेरा जा रहे हैं आज, बता दिया मैंने, आज आप जा रहे हैं। बाबू मैं व्लॉग बनाती हूँ, ओपन करते थे क्या थैला, हाँ थैला वो अनबॉक्स, थैला अनबॉक्सिंग। बेटा पहले ही देखो आपका सामान ये भी आ गया सारी, ये काजू ये मैं रास्ते में खाने के लिए, ओके भाकड़वाड़ी, आमा के लिए चिप्स, ये फ्रोजन मटर, ये मैंने आज मंगाए गाइस वाले हैं। हाँ ठीक है यार, मटर ठीक है, ठीक है, अच्छा किया। इसके बाद हो गया ये, मैं अगर मक्खन नहीं लाएंगे ना मार डालूंगी, बता रही हूँ सच में। मक्खन लायो, हाँ बता, मार डालो। पता है गाइस मैं मक्खन मंगाती हूँ ना, कौन खाए बाबा रे, कुछ अच्छी चीज लगी मतलब डेरी की, इसमें कुछ नहीं करना, रेडी है, फ्रूट काट के डालो उसमें। क्यों बुढ़ो, क्यों आप ऐसी चीजें रेडीमेड, क्यों मतलब घर में आपकी बीबी पकाती नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं कस्टम का, फिर अरे तो वो नहीं है, नहीं ये रेडीमेड चीजें प्रिजर्वेटिव डाले हुए होते हैं बुढ़ो, मत लाया करो, कितनी बार बोला है। अपने बटर लगा लो यहाँ रखो, मक्खन नहीं लगाती मैं किसी को, यही तो मेरी खास बात है, इसीलिए तो मेरे को लोग वो बोलते हैं अकड़ू, मक्खन नहीं लगाती गाइस मैं किसी को भी। चलो दूध दही सब धुल जाएगा। बाबू ये चिप्स जब आप बेंगलोर जा रहे थे तो ओरिजिनल लेके आना था ना, ये क्यों लेके आए आप? मम्मी के लिए नहीं लाए हो आप, ये मोटे के लिए लाए हो, ठीक है? हाँ उसको आपने ऐसा सड़ा रखा है ना उसका शरीर। आज कितने का लेके आई? आज कितने के बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, मोटे बच्चे। बाबू ये बताओ ना ये कितने का दिया आज उसने आपको? आज ठीक दिया, नहीं तो मैं लड़ाई करने लगती गाइस उससे। चलो जरा इसको लगाते हैं। तो ये लो गाइस मैंने इसको यहाँ लगा दिया है, अब ये 3-4 दिन चलेंगे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये। उस दिन है ना अनूप को बहुत महंगा दे दिया था तो मैं गुस्सा कर रही थी कितना महंगा क्यों लेके आए। तो ये देखो बहुत सुंदर सा लगता है, एकदम किचन में आओ ना मन खुश हो जाता है।
तो अब ये देखो इतना सारा राशन आ गया है। तो आप सबको पता है मुझे ना ये वैदिका करके ब्रांड है अमेजोन का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनसे बोला था वहीं से मंगाना दालें, मुझे डी मार्ट का नहीं पसंद है दाल वाल, तो इसलिए। और ये बहुत टाइम से हमारे घर में नहीं आ रहा था, तो आज मैंने अनुप को बोला लेके आओ ना, कभी दाल चावल के साथ सूखा भूनने के लिए अच्छा लगता है। तो अभी ये सब राशन मुझे लगाना है। देख रहे हो गाइस, मैंने कभी शेयर नहीं किया अपना फेस रूटीन जो हम लगाते हैं। वाव लगाओगे अब तुम, वाव विटामिन सी फेस वॉश, वाव बुढ़ो वाव। ये बाबू मैं यहाँ पता है आपको, वो अंधेरा मैंने इसलिए किया था और शांत कि मैं यहाँ वॉइस ओवर करने जा रही थी। अब आप जा रहे हो तो जैसे जब पति लोग बाहर जाते हैं तो अपनी अपनी बीवी को पैसे नहीं देते, ऐसे नहीं दोगे अपनी बीवी को? कहाँ दिए, मुझे तो दिए ही नहीं है। दो कितने दे रहे हो, 1000 रुपये? कितने दिन के लिए जा रहे हो? एक दिन का 500 रुपये? अरे बुढ़ो 1100 रुपये दो, लड़कियों को कभी भी ऐसे जीरो वाला पैसा नहीं देते। दे दो ये 100 रुपये भी दे दो, लाओ। चलो ठीक है, ये तो बेटा मेरे काम की नहीं है गाइज, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, प्रेस में जाएंगे, सब्जियों में जाएंगे और जब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब तक नगद हाथ में होना चाहिए। ऐसे तो मैं जी पे यूज़ करती हूँ, नगद नहीं रखती हूँ, तो इसलिए खुले पैसे मैं नहीं रखती हूँ ज़्यादा, तो इसीलिए अनूप से लेती हूँ। गाइस यहाँ पे अनूप के लिए चीला बना दे रही हूँ नाश्ते में और कॉफ़ी लेंगे, तो बस इसके बाद शायद अनूप चले जाएंगे। और मैंने यहाँ देखो सारी दालें वगैरह खना दी हैं, खनाना नेपाली में बोलते हैं एक्चुअली, ये अनूप लेके जाएंगे। और घी अभी मुझे रिताना है, तो सारी दालें रिता दी हैं डब्बों में अच्छे से। और एक्चुअली मैं ना आधा आधा किलो लाती हूँ, पर अनूप ने एक एक किलो मंगाई है, तो अब उनको फोल्ड करके रख दिया है जो बच गई हैं। तो बस मुझे लगता है अब 2 महीने की छुट्टी हो गई दाल मंगाने की। तो भाई आज बारी है बाथरूम की, तो आज मैंने बाथरूम की सारी दीवारें हार्पिक से धो डाली। और ये मूफा होता है ना, मेरे पास दो दो पड़े थे, तो मैंने एक ये वाला यूज़ पुराना वाला कर लिया। और इससे क्या चमकता है यार, मतलब आप पहले हार्पिक डाल दो, 20 मिनट रहने दो हल्का सा पानी लेके, बस फिर इससे वॉश करना, इतना क्लीन हो जाता है ना। तो ये वाला आइडिया मुझे बेस्ट लगा। तो बस आज मैंने बाथरूम वॉश बेसन, वॉशरूम तो रोज़ खैर साफ़ होता है, तो ये देखो दीवारें एकदम चमका दी थी साबुन के ना छींटे, शैम्पू के पड़ते रहते हैं तो दीवारों में आप देखना बाथरूम की काला काला हो जाता है। तो मैं 15-20 दिन में एक बार उसको साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे देखो ये भी बिल्कुल क्लीन कर लिया है, तो ऑलमोस्ट बस घर की सफाई आज फिनिश होती है गाइज। तो ये गाइज मैंने नहा लिया और बहुत सारे काम किए, मैं आपको दिखा भी नहीं पाई, बहुत ज़्यादा काम किए मैंने और मेरी कमर दर्द हो गई। पता है क्या, एक काम करते हुए अभी मैंने ना बेड नहीं लगाया है, लगा दिया था लेकिन कुछ काम कर रही थी तो उसके अंदर से मैं वो निकालती थी, वो जो जालियाँ लगती है मुंबई में उसको लगाने के लिए, इसको क्या कहते हैं लोग, ये जो होता है ना, ये आपको पता है चूहा और मैं खेल खेलते रहते, मैं दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से ना चूहे ने पूरी जालियाँ खानी शुरू कर दी, और आज से नहीं तकरीबन जब उस टाइम वो चूहा पकड़ा था ना हमने तब से उसने परेशान कर रखा है। वो देखो वहाँ से भी खाती है, और तो और जितने भी इसमें नॉट बंधे थे ना ऐसे जो मैंने आपको दिखाया, वो सब उसने कट कर करके ना जाली पूरी इधर ला दी थी, तो मैंने उस दिन पूरा बांधा तो उसने गुस्से में और ये सब खा दिया। देखो यहाँ तक पहुँच चुका है वो खाना, और वहाँ से भी खा दिया वहाँ से भी। तो मैं रोज़ ये बांध देती हूँ और वो रोज़ तोड़ देता है नॉट, तो यही हमारा खेल चलता रहता है। जितने नॉट मैंने कम से कम 12-15 नॉट बांधे होंगे, तो वो सारे ही सुबह टूटे मिलेंगे और ये जाली वापस आ जाएगी, पता नहीं उसको क्या मज़ा आता है। और यहाँ पूरी पॉटी रहती है, रोज़ मैं साफ़ करती रहती हूँ, मैं मारना नहीं चाहती बिल्कुल भी दवाई डाल के चूहे को, लेकिन वो मुझे इतना परेशान कर रहा है ना गाइस। और घर के अंदर घुस जाता है ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि चीज़ों को गंदा करता है, खाता है, ख़राब करता है, तो करना पड़ेगा। यहाँ राइस चढ़ा दिए हैं और अनूप जल्दी जाएंगे ना, 4 बजे चले जाएंगे, 7 बजे की फ्लाइट है तो यहाँ से निकल जाएंगे। और ये काले चने की सब्जी और राइस बना रही हूँ गाइस आज। तो गाइस मेरी ना एक बहुत ही अजीब सी आदत है, पता नहीं आपको कब हो गए, तो पता है मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ लेकिन मैं बाल नहीं बना पाई हूँ अभी, सब बनाऊंगी लेकिन पहले मैं अपने काम कर लूँ। और अभी है ना मैं कट स्लिप के सूट्स पहनूंगी, जितने ड्रेसेस पहनूंगी सारे, जितने दिन मेरे अंडरआर्म्स नहीं आएंगे। तो पता है गाइस मेरी एक आदत है, चाहे घर में कोई भी आने वाला हो, कोई भी मतलब कोई भी,
ऐसा स्पेशल किसी एक के लिए नहीं, तो जब भी घर में कोई आने वाला होता है ना, तो मैं अपना बाथरूम लैट्रिन तो हर दूसरे दिन साफ होती ही रहती है, इवन या चलो रोज ही करती हूँ मैं, तो मैंने पूरा लैट्रिन बाथरूम क्लीन किया। गाइस ओ माय गॉड, मेरी कमर टेढ़ी हो गया आज इन सबको करते करते। बाथरूम का जो काम होता है ना वो बहुत गीला होता है, गीले हाथ पैर हो जाते हैं ना तो बहुत सिक सिक लगता है। तो और यहाँ देखो ये वाला थोड़ा सा फूल है ना, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है। और बस खाना बना रही हूँ, अनूप की पैकिंग भी करनी है मुझे, तो जैसा आज जल्दी जल्दी ब्लॉग बना पा रही हूँ मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आज काम ज़्यादा ही चावल रखूँ। तो ये देखो गाइस, अगर दो मिनट और रुकती ना पूरे चावल मेरे ख़राब हो जाते, उबल के बाहर आने लगे थे, तो इनका पानी वो कर दिया। बस अब मैं जा रही हूँ काले चने छोंक देती हूँ फटाफट से, सब्जी और चावल बना रहेगा ना फिर मुझे टेंशन नहीं है, फिर मैं पैकिंग तो दो मिनट में कर लूँगी, कुछ भी नहीं करना क्योंकि सारे कपड़े प्रेस हैं उनके, सिर्फ डालने हैं। गाइस तो यहाँ पे प्याज लहसुन धनिया हरी मिर्च और ये टमाटर अदरक सब रेडी कर लिया है, छोले तो उबली गए थे बस। ओ सॉरी, अभी मैं इसको तड़का लगाऊंगी गैस ऑन करके। कल आपने देखा ही था सारे मसाले मैंने बना के रख लिए हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। और ऐसे ही मुझे एक और मिल गई ना तो तीन हो गई। तो ये जो देखो इसको कल मैंने चिपकाया था, टूटती जा रही है ना, उन सबको कुछ करना पड़ेगा। अब ये प्लास्टिक के ढक्कन वाले में बिल्कुल भी नहीं लूँगी। जीरा 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 जीरा, डैडी आगे दरवाज़ा खोलो। आज ही सुबह तुम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि मैं नाराज हूँ कि लेके जाऊँ यहाँ से, तो तुमने बोला उसको तो यहाँ कुछ और पसंद आता ही नहीं। यहाँ देखो भाई हाँ। क्या ओके सर, गुरुदेव दीदी के हाथ का कुछ खाने को प्लीज। अनुप ने मुझसे बोला राहुल के पास जा रहा हूँ, बताओ उसके लिए कुछ ले जाऊँ, तो मैंने कहा उसको मुंबई का कुछ नहीं पसंद है, दीदी के हाथ का खाना पसंद है, दीदी तो यही है। और उसने भी यही लिख के भेज दिया है, वही दिखा रहे। देखा, जब आप किसी को बहुत ज्यादा जानने लगते हो तो आपको सब पता चल जाता है उनके बारे में। नहीं उसको बोलो दीदी के हाथ का खाना खाना है तो मुंबई आ, खाना पैक होके प्लेन में कैसे जाएगा। हाँ बाबू कपड़े देख लो एक बार, ठीक है ना। तो गाइस ये अनूप का खाना और ये पार्थू का खाना है, बस सलाद और देना है मुझे, तो खाना रेडी है। हे गाइस तो 3:30 हो गए, घर का काम खत्म करते करते आज तो काम अब सब खत्म हो गए, सिर्फ मुझे सब्जी लेने जाना है। अनूप सो रहे थे तो मैंने अनूप को उठा दिया, क्योंकि अनूप ने बोला मैं पार्थ को छोड़ते हुए 4:30 तक फिर मैं भी निकल जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए। तो ये देखो पता, इतनी तेज़ बारिश आई सूखे हुए कपड़ों पर, और इतनी तेज़ आती है ना कि जब तक मैं उठाती हूँ तब तक भीग ही जाते हैं। तो बस सारा सामान, आप मानो जब बारिश आती है ना कपड़े भी उठाने पड़ते हैं, ये मोड़े भी उठाने पड़ते हैं। आजकल पता नहीं क्यों इस साइड बारिश आ रही है, पहले नहीं उठाना पड़ता था ये सब चीज़, पर अब करना पड़ता है। और ये भी पूरा लपेट के उधर रखना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। और ये देखो शेरिन भाभी ने जो मुझे वो दिया था ना हैप्पी बर्थडे सीमा, तो उन्होंने कल फ्रेम भी भिजवाया था। थैंक यू सो मच शेरिन भाभी, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं आपको मैसेज करके थैंक यू बोलूँ, तो और भी कुछ भेजा उन्होंने बाद में दिखाऊंगी। तो ये उन्होंने मुझे भेजा था ना, तो मैंने इसको संभाल के रखा था, भाभी ने कहा कि मैं फ्रेम भेजूंगी, इसी के साइज़ का मेरे पास है उसमें लगा लेना, तो मैंने लगा लिया है। एंड बस गाइज खाना चने बहुत टेस्टी बने थे गाइज, आज सबको बहुत पसंद है, तो मैं अभी कुकू लोगों का खाना ही बना रही हूँ ये देखो यहाँ पे। और अभी बर्तन धोने जा रही हूँ, थोड़े ये बर्तन वगैरह लगाती हूँ, एंड फिर इन लोगों को ये पार्थो को ट्यूशन भेजूँगी और अनूप को उठाती हूँ। उठे हाँ उठ जाओ, तो अनूप भी उठ गए हैं, अपने रूम में रखो इसको ओके। तो गाइज अनूप रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं बेंगलोर में, मेरे दोस्त मिलेंगे तो हेलो कर लेना बुढ़ो। इधर से एक पार्टी जा रही है, उधर से एक पार्टी आ रही है। मम्मी भी गाइस एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हैं और यहाँ से अनूप भी निकल रहे हैं। और एक टाइम ऐसा होगा कि आप दोनों ऊपर फ्लाई कर रहे होंगे, तो ऐसे खिड़की से देख लेना कि आपको तो मम्मी दिख जाए। हैं आओ मैं आता हूँ दो दिन में ऐसे बोला। अब आप सोचो आपके बगैर मैं इसका क्या करूंगी। बोलो डॉक्टर जी।
कितना परफ्यूम लगाते बुढ़त, वो भी मेरा ही परफ्यूम। सुनो अपनी खुशबू सूंघ के, बाबू अपनी खुशबू सूंघ के कौन खुश होता है, मेरे नाक में पूरा ऐसा हो गया। टाइम से जाना, टाइम से आना, अच्छे से। जय हनुमान जी की हनुमान चालीसा रख दी मैंने उसमें, आपके उसमें अटैची में। गाइस ऐसा ये व्लॉग के लिए बोल रहे हैं ऐसा अपना ख्याल ज्यादा रखें, ऐसा ना ये ब्लॉग क्लिक कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। कभी कभी तो ये ऐसे ही चले जाते हैं, पीछे मुड़के तक नहीं देखते कि इनकी बीवी खड़ी है। फिर मैं इनको मैसेज करती हूँ कि एक बार जाते जाते इतने देख ही लेते मैं पीछे खड़ी थी। वो माया से परे। बच्चा क्यों पैदा किया फिर, शादी क्यों करी, परे ही रहना था। जबरदस्ती किसने की थी आपके संग ऐसा? वो नहीं आता ट्यूशन के लिए, उसको चीख के चिल्ला के बुलाना पड़ता है। भगवान देखना बाबू जूते पहन के ट्यूशन जा रहा है। डैडी भी रेड टेप, मैं भी रेड। बाय बाय बाय। पार्ट 2 6 बजे आप वहां से निकल जाना, मैं लेने आ जाऊंगी अपने आप, ठीक है? निकल जाना। ओके मम्मा। मैं यहां से 6 बजे निकल जाऊंगी। मुझे बैंगलोर डैडी पार्टी। हां सब्जी लाने के लिए ना। पार्ट 2 सब्जी लेने चलेगा ना मेरे संग? ओके बाय पार्ट 2। बाय डैडा। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। तो गाइज अनुप गए और यहाँ मैं जरा बर्तन मांज लूँ पहले। तो ये गाइज अब 5:10 हैं और अब जाके चाय पी रही हूँ। अनुप तो पहुँच गए हैं, अनुप का मैसेज आ गया और मम्मी एयरपोर्ट में पहुँच चुकी है, मुंबई के एयरपोर्ट में, दिल्ली के एयरपोर्ट। तो बस दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे अपने अपने टाइम पे। और अभी मुझे पार्थो को लेने जाना है 6 बजे और सब्जी भी लेने जाना है। और आज तो ऐसा लग रहा है जब कोई घर में आने वाला होता है तब कैसा लगता है कि काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, है ना? तो बस पहले जा रही हूँ चाय पी के, कुकू लोगों को खाना दे के आती हूँ और एक वीडियो एडिट करी, उसमें वॉइस ओवर कर दिया तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, वो भेज देती हूँ अभी आप लोगों के लिए, अपलोड करूँगी, रात तक हो पाएगी आई थिंक। और जा रही हूँ अभी सब्जी भी लेके आती हूँ, तो बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं लेके आऊँगी, थोड़ी सी लेके आऊँगी क्योंकि फ्रेश मुझे लानी अच्छी लगती है, अभी अनुप नहीं है ना, 2 दिन तो फ़ायदा उठाऊँगी, तो फ्रेश सब्जियाँ लेके आऊँगी। तो बस आज अपने ब्लॉग नहीं बनाई सब्जी वाली है। चलो चलो चलो, बारिश आने वाली, बेटू जल्दी चलो। गाइस तो मैं और पार्थो सब्जी लेके आ गए और पता है मम्मी और अनुप दोनों की ही फ्लाइट आधा आधा घंटे डिले हो गई क्योंकि मौसम की वजह से, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अब मुझे लगता है मम्मी 10 बजे से पहले क्या ही पहुँचेंगी। चलो अब मैं सब्जी वगैरह रेताती हूँ, पूजा करती हूँ और खाना बनाती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे ये सब काम करने के बाद। हे गाइस, मम्मी की तो फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कुछ कढ़ाई पनीर तो नहीं, लेकिन कुछ भी, मतलब कुछ कढ़ाई पनीर और शाही पनीर के बीच का कुछ बना देती हूँ। सॉरी मैंने इसको शूट नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन पनीर लबाबदार रेडी है। मम्मी को पराठे पसंद नहीं है रात को, तो रोटी बनाऊंगी लच्छेदार और उस पर घी लगाऊंगी। तो देखो गाइज, मैंने तो सोचा था मम्मी इस टाइम 9 बजे तक आ जाएंगे और मैं शूट कर दूंगी और अच्छे से, आज आप लोग को बता भी दिया था, बट लेट हो गया। और अनुप की भी जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से ना अभी एक प्लेन जा रहा था, उसकी लाइट टिम टिम दिख रही थी, तो मैं मन में कह रही हूँ शायद इसमें मेरे बूढ़े जा रहे हैं, भगवान भी ढंग से ले जा रहे हैं, मतलब हो सकता है जा भी रहा हो अनुप का फ्लाइट हो, कुछ कुछ थोड़ी कह सकते हैं, अब तो टाइम हो भी गया है। और बस सब्जी बन गई है, पार्थो को भूख तो लग रही है लेकिन वो आमा का वेट कर रहा है, तो मैंने उसको बनाना चिप्स दे दिए थे थोड़े से, चल ये खा ले। और मैं सोच रही हूँ अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, सुबह मम्मी अब मम्मी आएंगी ना जब, तो फिर सुबह आप लोगों के संग मम्मी के संग वाला ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो चलो इस ब्लॉग को, आई नो बहुत वेट करना पड़ेगा लेकिन क्या कर सकते हैं यार, देखो 8:30 हो गए और फिर जब मम्मी आएंगे थके हुए होंगे तो उस टाइम शूट क्या करूँगी, लेकिन फिर कल से तो मम्मी घर पे ही हैं तो कल करूँगी इस ब्लॉग को कंटिन्यू। लेकिन चिंता मत करो, मम्मी की शक्ल दिखाऊंगी लास्ट में अभी कि मम्मी आ गई है, मम्मी को दिखाए बगैर आप लोग को नहीं जाने दूंगी। तो आप सब की आमा आ गई है एंड मैं चाहती हूँ आप सब उनको आमा ही बोले, आमा मीन्स मम्मी होता है नेपाली में, ये लो सब्जी बन। तो आमा आ रही है और आमा को दिखा के ही भेजूंगी, लेकिन अब बातें कल से शुरू होंगी, ठीक है? चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें आप सब, सुखी रहें आप सब, स्वस्थ रहें आप सब, ऐसी मैं कामना करती हूँ।
लबो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे न्यू है तो, और आमा को देख के ही जाना, तसल्ली रखो, इसके बाद आमा आ रहे हैं। तो आमा मुंबई उतर चुकी है। पार्थो का हैप्पी डांस दिखाओ। और डांसी और डांसी और नाची और तंगा तंगा और तंगा तंगा। हाँ बेटा, बन रही है। तो गाइज हम मम्मी को लेने के लिए आए हैं और 10:30 बज गए हैं, अभी तक मम्मी नहीं आई है ना पार्थो। चल आ जाओ बेटा, उधर ही रहेंगे। तो देखो गाइज 10:30 बज गए हैं, अभी तक मम्मी नहीं आई है। उधर की साइड कभी नहीं गया मैं और पार्थो, बस यहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं। मैं भी 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगी। तो और अनूप भी उतर गए हैं बेंगलोर। तो गाइज 10:45 हो गए हैं और मम्मी पता नहीं कहीं और ही चली गई है। गाइज अभी मम्मी से बात हुई है, मम्मी को गलत जगह ले गया ऑटो वाला, साकी नाका कहीं पहुंचा दिया। और मैंने मम्मी को फिर सही मैप भेजा था, मैंने मैप भी, मम्मी ने पता नहीं क्यों मैप नहीं दिखाया। खैर अब मम्मी को आने में 1.5 घंटा लगेगा, तो वही 11:30-12 बज जाएंगे आते आते। तो मैं पार्थी को लेके जा रही हूँ, हम नीचे बैठ के वेट कर रहे थे बहुत देर से, तो अभी तक मम्मी नहीं आई। बेचारा बहुत मिस कर रहा था, तब से वेट कर रहा था, यहाँ बैठे बैठे हम दोनों। और मम्मी का फ़ोन आया और अनूप का भी आया कि अब तुम लोग जाओ ऊपर बैठो, क्योंकि पार्थी को सुला दूँगी यार, 10:30 से ऊपर हो चुके हैं, तो 10:45 हो चुके हैं शायद। हाँ तो गाइस पार्थू सो चुका है और 12:15 है, मम्मी अभी तक नहीं आए। मैंने अभी कॉल किया तो बार बार कह रही 15 मिनट में आ जाऊँगी, 20 मिनट में आ जाऊँगी। और अब पता है क्या दिक्कत है कि पार्थू सो गया तो मैं नीचे भी नहीं जा सकती मम्मी को लेने के लिए, और अनूप भी रास्ते में ही है, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। तो मतलब सोचा ही नहीं था, इससे तो अच्छा ऐसा लग रहा है मम्मी ट्रेन से ही आ जाते यार, बेकार ही। मतलब सोचो आप, बेचारी 2:30 से घर से निकली हुई है और 12:00 को आए, अभी तक नहीं आई। I really don't care if you are.